इसमें फुली पावर वाली मोटर है 2000 वाट की, जिस वजह से कंपनी ने मेरे ख्याल में इसमें क्रूज वाला सिस्टम नहीं अप्लाई किया। साइड्स पे इसका रिव्यू कराता हूँ। माशाल्लाह ये चेक करें कितनी खूबसूरत और प्यारा इन्होंने 12-12 के इसके टायर आप लगा लें माशाल्लाह। और डिस्क ब्रेक के बारे में बता दें, इसके फ्रंट भी डिस्क है, रियर भी डिस्क है। अच्छा, इसके आगे पीछे आपको डिस्क ब्रेक मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं गजनफर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जो कि गजनफर अब्बास के नाम से। तो गाइज, आज मैं हूं जी अरहाम ट्रेडर्स के ईवी शोरूम पे, और यहां पे आज जो हम आपको जिस बाइक का रिव्यू कराने वाले हैं उसका नाम है जी ईवी C1 एयर, पाकिस्तान की मोस्ट सबसे ज़्यादा चलने वाली और जिसका रिव्यू भी माशाल्लाह ज़बरदस्त है। ये वो वाली बाइक है और मेरे साथ है अली भाई। कैसे हैं, तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र ज़बरदस्त। थोड़ा सा इसके बारे में हमें एक्सप्लेन कर दें कि यार ये चीज़ सबसे ज़्यादा चलने वाली क्यों है, उसके पीछे क्या वजह है? इसकी मोटर पावर सबसे ज़्यादा है माशाल्लाह, जो कोई और कंपनी में नहीं है। सही है, और इसकी कीमत भी मुनासिब है। अच्छा जी, अच्छा मतलब आपके कहने का मतलब इसकी क्या, इसकी मोटर की इसकी पावर है कितनी है? मोटर पावर 2000 वाट है। और जो 2000 वाट की इसकी मोटर पावर है 2000 वाट। गाइस ये बहुत बड़ी है, इसमें से जितनी भी यहाँ पे बाइक खड़ी है ना, ये सबसे ज्यादा हेल्थी भी लग रही है, जैसे मोटे ताजा नहीं बोलते जिसको, अच्छा ये वो भी लग रही है। और जो ये वाली चीज है ये बड़ी खूबसूरत इन्होंने बनाई हुई है। और अच्छा, 2000 की इसकी मोटर पावर है। बैटरी के बारे में बताएं, बैटरी पावर इसका 72 वोल्ट 35 एम्पीयर। अच्छा, 72 वोल्ट 35 एम्पीयर, 35 एम्पीयर की। अच्छा, और अगर हम दूसरी बात करते हैं, ये कितनी किलोमीटर देती है? 160-150 किलोमीटर एक चार्ज। ये कस्टमर रिव्यू बता रहे हैं, वैसे कंपनी क्लेम क्या है उसका? कंपनी क्लेम 120 है। अच्छा, 120 है इसका। गाइस ये चीज अगर 160-150 बाकी में कस्टमर रिव्यू इतनी है, अगर मैं भी अगर किसी से पूछता हूँ, बैर मैंने काफी सारे बंदों से पूछा तो उन्होंने भी मुझे ऐसे ही कहा, इस भाई का नहीं, मैं जेंसी की बात कर रहा हूँ ठीक है, लेकिन ऐसे ही है कस्टमर रिव्यू ऐसे ही होता है, क्योंकि एक बंदा एक सिंपल बंदा है ठीक है, वो इतनी नहीं चला सकता ना भाई, 150 किलोमीटर जो आम, हाँ डेली वो बंदा नहीं चला सकता ठीक है। उसके बाद ये अच्छा लगता है एक बंदा जब जिसको कोई काम हो, जो जितनी ज़्यादा 10 किलोमीटर जाना हो 20 किलोमीटर जाना हो वो वापस आ जाता है, उसका काम सारा 150 में हो जाता है ठीक है, उसका काम चलो 50 रुपए में हो जाता है, वैसे 50 रुपए में काम नहीं हो जाता, रक्षा भी करके जाएं तो 1 किलोमीटर वो आपसे 500 रुपए ले लेता है, 200 रुपए ले लेता है। अच्छा, और उसके बाद इसकी जो दूसरी स्पेसिफिकेशन पे आते हैं, चार्जिंग कितनी देर में ये फुल हो जाता है? ये चार्जिंग टाइम लेता है 5 घंटे। अच्छा, 5 घंटे में बिल्कुल लो हो जाए तब जाके 5 घंटे लेता है। अच्छा माशाल्लाह, उसके बाद मतलब फुल हो जाता है? ये फुल हो जाता है 5 घंटे में ठीक है। और अगर हम इसको स्टार्ट पे आते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट करके हमें ये चीज दिखाएं। माशाल्लाह जी, ये अभी स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे तो इसको अगर फर्स्ट मोड इसका वो फर्स्ट पे है। अच्छा, ये इस वक्त फर्स्ट पे है। अच्छा, इसको अभी कैंसिल करें, ये रेडी करें, रेडी कैसे होगा? रेडी यहाँ से, ये पार्किंग का बटन है। अच्छा, ये रेडी हो गया। अच्छा, यहाँ से नहीं, ब्रेक से नहीं, यहाँ से भी हो जाता है, यहाँ से भी हो जाता है, पार्किंग से भी हो जाता है। अच्छा, तो इसको अभी स्टार्ट करें, ये कितनी स्पीड जाती है गाइस? ये फास्ट, इस पे चार मोड है या? जी, चार है इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर चार है ठीक है। ये सेकंड पे नहीं, पहले फास्ट पे दिखाते हैं हमें वो कितनी पे जाता है फास्ट वाला। अच्छा ये तो खैर, अच्छा ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला 30 पे जाता है, मतलब 27 या ऐसा ऐसा 30 तक चला जाता होगा। और ये चीज़ चेक करें, अभी सेकंड पे हमें दिखाएं, सेकंड 40। अच्छा, सेकंड में ये चीज़ 40 इस वक्त कर रही है माशाल्लाह। और अभी थर्ड भी लगाएं, यार थर्ड पे ये 55 तक माशाल्लाह चला जा रहा है, 55 तक ये चीज़ थर्ड पे इस वक्त जा रही है। और फोर्थ पे दिखाएं 70, ये कोई मजाक नहीं है भाई जी, 70 ये चीज जो कर रही है ना 70 माशाल्लाह। अभी अच्छा, इसमें वो सिस्टम भी है ऑटोमेटिक, ये रुक जाए? नहीं नहीं वो नहीं है। अच्छा, इसमें वो नहीं है क्योंकि ये चीज पावरफुल है जी। अच्छा, वो जो दूसरी बाइक्स में वो जो मतलब ये स्टॉप हो जाते हैं ना, वो इसको क्या बोलते हैं जो स्टॉप हो जाता है? हाँ, क्रूज वाला सिस्टम दूसरी बाइक्स में, वो स्मॉल में छोटा सा मोटर है, छोटी पावर वाली, इसमें फुली पावर वाली मोटर है 2000 वाट की, जिस वजह से कंपनी ने मेरे ख्याल में इसमें क्रूज वाला सिस्टम नहीं अप्लाई किया। कंट्रोल नहीं। अच्छा, कंट्रोल की वजह से, ताकि कंट्रोल हो जाए अच्छे तरीके से, इसीलिए उन्होंने वो सिस्टम
नहीं दिया। और ये मैं आपको साइड्स पे इसका रिव्यू कराता हूँ, माशाल्लाह ये चेक करें कितनी खूबसूरत और प्यारा इन्होंने बाइक को बनाया हुआ है कंपनी वालों ने। और एक और चीज़, इसके टायर मुझे बाकी से बड़े टायर लग रहे हैं। कितनी इंच की इसमें टायर है? 2 इंच का फर्क है, बाकी 10 का है, इसका 12 का। अच्छा, इसका 12 इंच बड़ा टायर है। अच्छा, 12 इंच का इसका एक टायर है, 2 इंच इसके मतलब ये 12-12 के इसके टायर आप लगा लें माशाल्लाह। और डिस्क ब्रेक के बारे में बता दें, इसकी फ्रंट भी डिस्क है, रेयर भी डिस्क है। अच्छा, इसके आगे पीछे आपको डिस्क ब्रेक मिलेगी जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ये स्टील के हैं हाँ या रबर के हैं? ये फाइबर, फाइबर प्लास्टिक जी। माशाल्लाह जी, ये आपको इसमें फाइबर प्लास्टिक मिलेगा। और हाइड्रोलिक शॉक्स हैं इसमें जी। माशाल्लाह, वो भी आप चेक कर लें। और उसके बाद अगर हम इसकी साइड पे आते हैं, ये साइड पे ये जगह किस चीज़ की छूटी हुई है? ये वाली, ये वैसे ही छूटी हुई। अच्छा, ये वैसे कोई हवा वगैरह के लिए या? अच्छा, बैटरी। अच्छा, और ये चीज़ आप चेक करें गाइस, ये चीज़ माशाल्लाह मुझे ये बहुत बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। वैसे तो आप पैर यहाँ पे भी रख सकते हैं जी। अच्छा, वैसे ये बेटर है अगर पीछे वाला बंदा पूरी कंफर्टेबल हो जाएगा। और उसके बाद अगर साथ आ जाते हैं, इसकी ये चीज़ आपको दिखाता हूँ, इनको पता नहीं क्या बोलते हैं, थोड़ा सा आप ये बता दें इनको क्या बोलते हैं। इनको जैसा कि हम चैन कवर बोल लें। अच्छा, चैन कवर या कुछ भी है इसको। अच्छा, ये चीज़ बड़ी खूबसूरत है, ये है प्लास्टिक के लेकिन ये मजबूत साफ जरा मजबूत प्लास्टिकों का फाइबर इसको होगा। ये भी फाइबर है प्लास्टिक जी, फाइबर। अच्छा, लेकिन ये बड़े खूबसूरत प्यारे हैं। और पीछे इसकी डिस्क ब्रेक, ये बड़ी कमाल की चीज़ है और अच्छी बात है। आगे पीछे इसकी जो डिस्क ब्रेक है ना। और उसके बाद जी, अगर मैं आपको एक और इसका स्पेसिफिकेशन, इसकी और जो मेन बात है ना, ये चीज़ चेक करें, ये भी ऑन है और ये इसका स्विच भी, ये लाइटनिंग कर रहा है ठीक है। और इसमें अंदर जो रिमोट है बाकी सेम है बाकी बाइक्स की तरह, ये आप देख भी सकते हैं। और इसको अगर हम अभी, अच्छा तो अभी एक और चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसके ये वाले। अच्छा, ये हॉर्न है इसका ठीक है। अच्छा, ये सेम हॉर्न है और बाकी ये इंडिकेटर। और ये चेक कर लीजिए इसके इंडिकेटर। अच्छा, ये लेफ्ट वाला, और इसकी ये लाइट ऑन कर दें। अच्छा, जो ये वाली चीज़ है ये वैसे ऑन रहेगी हमेशा? हाँ जी। अच्छा, ये लोगो इसका। हाँ, अच्छा ये गाइस ये चेक करें, इसमें लाइटें बड़ी प्यारी लाइटें, और ये लाइटें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। अच्छा, ये इसका फुल है? हाँ जी जी। अच्छा ठीक है, इसकी और पीछे आपको दिखा देता हूँ, और ये चेक करें गाइस, इसके हैज़र्ड लाइट्स जगा दें। अच्छा, ये इसके हैज़र्ड लाइट है, और इसकी ब्रेक भी थोड़ा सा दबाएँ। अच्छा, ये चेक करें, ये बड़ा ही प्यारा यहाँ पे इन्होंने लोगो यहाँ पे बनाया है और बड़े खूबसूरत लग रहा है। और इसके बाद ये आपको स्पेस सेम मिलेगी इसके अंदर भी मोबाइल रखने के लिए, और अंदर इसके ये USB टाइप, अच्छा ये चार्जिंग के लिए पोर्ट भी मिलेगी, और ये अपना चार्जिंग भी आपको मिलेगा। और उसके बाद अगर हम आते हैं तो ये वाला लाइट के लिए फ्रंट, अच्छा ये फुल डिम के लिए, और ये हैजर्ड के लिए आपको मिलेगा। ये रिवर्स है इसका, रिवर्स हमें करके दिखाएं गाइस, ये चेक करें, ये चीज़ इस वक्त रिवर्स हो रही है ठीक है। कितने की रिवर्स स्पीड है इसकी? वो स्पीड ये नहीं बताता, सिर्फ रिवर्स ही बताता है ठीक है। और माशाल्लाह इसकी हमें ये अपना स्पेस ओपन करके दिखा दें, माशाल्लाह जी ये चेक करें, ये जी इसके अंदर स्पेस, और माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इसके अंदर जो मिरर्स हैं ये चेक करें, बड़ी खूबसूरत। और उसके बाद अगर ये इसके अंदर टूल की वगैरह आपको मिल जाएंगी, ये इसका जी चार्जिंग। अच्छा, इसका चार्जिंग तो मुझे 2-3 किलो का लग रहा है सिर्फ चार्जिंग। नहीं, हाँ नहीं। कितनी होगा, 1 किलो का होगा फिर? मुझे 2 किलो का लग रहा है। अच्छा, ये चेक करें जी, ये है इसका चार्जिंग। और उसके बाद ये चीज़ आपको मिलेगी, ये आगे इसको क्या बोलते हैं, मैट। और यहाँ पे आगे बिछाने के लिए, ये आपने मतलब पैर रखने के लिए आपकी बाइक ख़राब ना हो। और उसके बाद एक और चीज़ पे आ जाते हैं, इसकी प्राइस के बारे में वो बता दें। इसकी प्राइस है 3 लाख। 3 लाख का जी? अच्छा, ये जी आपको पाकिस्तानी रुपीस 3 लाख रुपए की ये बाइक मिलेगी जो कि आप देख सकते हैं। और ये 160 किलोमीटर कस्टमर रिव्यू है जो इसका, वो 160 किलोमीटर करती है। और उसके बाद ये जहाँ तक मैंने इसको सर्च किया यूट्यूब पर भी, ये सबसे आगे जा रही है इस वक्त। जितनी भी मतलब इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं ना, ये उन सब में से ये आगे इसलिए जा रही है क्योंकि ये C1 एयर है। हाँ, और 160 किलोमीटर कर रही है, तो इसलिए ये वो कहते हैं कस्टमर रिव्यू
चाहे चलो चले 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर कम हो जाएगा, लेकिन मजाक नहीं है 140 भी अगर कह लेते हैं, 150 भी कह लेते हैं, ये चीज़ मजाक नहीं है। अगर कोई बाइक देती है आपको, उसका खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा 160 आ जाएगा। अगर आम बाइक पे हम कंपेयर करते हैं, वो तो ज़्यादा पी जाएगी ना इतने में, अगर उसने जाना भी होगा तो। गाइज एक और चीज़ जो ये इसकी ब्रेक है ना, इसमें भी वो सिस्टम है, अगर इसको आप नीचे करेंगे ना, ये बाइक स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। और ये अच्छा इसमें सिस्टम है। और दूसरा, इसके अंदर एक और ब्रेकर वाला भी सिस्टम है, वो थोड़ा सा मैं आप दिखा दिए हैं। ये चीज़ अगर ये ना फुल हो जाती है, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक ये ब्रेकर ऑफ हो जाएगा, ये चार्जिंग करना छोड़ देगी अगर ये फुल हो जाएगी। ये आपका फ़ायदा है, ये कंपनी ने आपके फ़ायदे के लिए ये चीज़ बनाई है, जो कि मुझे सबसे बेस्ट चीज़ लगी है। क्योंकि आज के मोबाइल इतनी जदीद हो चुके हैं, उनमें फिर भी ये सिस्टम नहीं आया, लेकिन कंपनी ने ये चीज़ बाइक में दे दी है। ये आप रीड भी कर सकते हैं, जहाँ पे ये यहाँ पे जो जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अली भाई, ये पीछे से भी आप ये सीट जी देख सकते हैं, और माशाल्लाह बड़ी ही कंफर्टेबल सीट है, बड़ी ही सॉफ्ट। और बड़ी मेहरबानी अली भाई, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शॉप की लोकेशन बता दें। शॉप की लोकेशन है जेजर से आगे थोड़ा सा आगे, नशेमन कॉलोनी के बिल्कुल सामने। अच्छा जी, इनकी शॉप का लोगो आप चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं एक और नई वीडियो के साथ हूँ आपके पास हाजिर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।